हेलो गाइस, इट्स मैक्स। लाया हूँ कुछ नए फैक्ट्स आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के बारे में। आज मैं बताऊँगा कुछ ऐसे फीचर्स जो क्रोम में नहीं होते पर एज में होते हैं, जो कि शायद आपको पता भी नहीं होंगे क्योंकि मोस्टली बंदे उसे यूज़ नहीं करते। तो फर्स्ट फीचर आता है आपका टैब हाइडर। जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, आपने बहुत सारे टैब्स खोल रखे होते हैं, तो कई सारे टैब्स होते हैं जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। एकदम से कोई कोई पर्सन है आपके कमरे में एंटर कर जाता है या आपके ऑफिस में एंटर कर जाता है, आपके पास आपकी पर्सनल डिटेल्स आपकी डिस्क्लोज रहती हैं, तो आपको नहीं दिखाना वो चीज़ें। तो ये फीचर उस काम आएगा, आपके एकदम से एक बटन से सारे के सारे जो टैब्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। तो वो जो ये टैब होता है, जो ये हाइडर होता है, वो होता कहाँ है? तो आपको आपको देखना है ब्राउज़र के टॉप लेफ्ट साइड। टॉप लेफ्ट साइड में एक आइकन बन रखा होता है जिसमें एक एरो जा रहा होता है लेफ्ट साइड, और एक टैब का आइकन बन रखा होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको उसके उस पर जितने भी टैब खोल रखे हैं, तो जब भी कोई एंटर करता है, जैसे किसी अभी आपको उससे हाइड करना है एकदम से, तो आपको क्या करना है, आपको करना है उस बटन पर क्लिक, और सिंपली आपके जितने भी टैब्स होंगे वो उसके अंदर हाइड हो जाएंगे। और बाद में जैसे वो बंदा चला जाता है या जो भी पर्सन है आपके कैबिन में आया था, आप वापस वो टैब्स फिर से रिस्टोर कर सकते हो। सिंपली उसके अंदर उसके लेफ्ट में एक आइकन बन रखा होगा डबल टैब का, तो उस पर आप क्लिक करके उनको फिर से रीओपन कर सकते हो। तो अब आपका आता है सेकंड फीचर। तो सेकंड फीचर है आपका ये ड्राइंग का फीचर है। कुछ आपने देखा होगा, एक राइट, ये आपका टॉप राइट साइड में आपको एक स्केच पेन का वो आइकन मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अगर कोई कोई वेब पेज हो गया, कोई डिटेल्स हो गई जो आपके किसी वेबसाइट पे है, आपको भेजना है, पर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको हाइड करनी है, तो आपको वो चीज़ें हाइड कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका, आपका आएगा बॉल पॉइंट पेन का। तो बॉल पॉइंट पेन आप सिंपली कहीं पे भी जहाँ जो चीज़ आपको हाइड करनी है तो उस पर सिंपली आप कर सकते हैं। आपको सिंपली आप उस पर स्केच पेन चला दीजिए या आप ड्रॉ कर दीजिए और वो चीज़ आप हाइड करके, और फिर आप वही टैब आपको सेव कैसे करना है। अब सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो विंडो का ही इनबिल्ट फीचर होता है एक स्क्रीनशॉट करने का। आपको सिंपली दबाना है विंडो बटन, विंडोज़ प्लस स्क्रीन प्रिंट। तो जैसे ही आप दोनों के दोनों बटन एक साथ दबाएंगे तो आपका स्नैपशॉट ले लिया जाएगा, पिक्चर्स फोल्डर्स में जाके सेव हो जाता है स्क्रीनशॉट फोल्डर में। तो ऐसे तो आप हाइड कर लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आपको चीज़ हाईलाइट करने के लिए भी एक ऑप्शन आता है आपका हाईलाइटर का। जो मार्कर का फीचर है वो भी पेन की तरह यूज़ होता है, तो आपको सिंपली जहाँ पे आपको जो चीज़ हाईलाइट करनी है उस वो हाईलाइट ड्रॉ कर देना है और वो स्नैपशॉट लेके जिसको भी भेजना है आप सेंड कर सकते हो। अब आपका आता है थर्ड फीचर। थर्ड फीचर आपका क्रॉप का। आपको पूरे को पूरे आपको किसी को भेजना है, एक सिंपली एक एरिया भेजना है एक वेब पेज का, आपको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि आप स्नैपशॉट लीजिए विंडो फीचर्स या किसी से भी और आप बाद में क्रॉप कीजिए, आपको इतनी करने की जरूरत नहीं। आपका इसी का इनबिल्ट फीचर है वो एज का। आपको सिंपली क्या करना है, वो क्रॉप वाले आइकन पर क्लिक करते आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका वो कंटेंट है, वो सिंपली उतना एरिया आपको कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी करेंगे आपको खोलना है पेंट, और पेंट खोल के आपको सिंपली उसमें पेस्ट करके इमेज फाइल की तरह आपको उसे सेव कर लेना है, और फिर आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो ये थे कुछ फीचर्स जो सिंपली आपको शायद ना पता हो, अगर आपको पता है तो इट्स गुड फॉर यू, अगर आपको नहीं पता थे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, इट्स मैक्स साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में।